सीतामढ़ी एसपी मनोज कुमार तिवारी के निर्देश के अनुपालन में बाल श्रम एवं बाल दुर्व्यापार पर रोक लगाने के लिए सीतामढ़ी पुलिस की विशेष किशोर पुलिस इकाई के द्वारा एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के सहयोग से निरंतर अनूठी पहल। वरीय पुलिस उपाधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई सीतामढ़ी मोहम्मद नजीब अनवर के निर्देशन में की जा रही है। बाल श्रम के खिलाफ अभियान के तहत जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के दुकानों में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाए जाने की सूचना पर डीएसपी मोहम्मद नजीब अनवर के निर्देशन में मेजरगंज थाना एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के संयुक्त टीम के सहयोग से मेजरगंज थाना क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 11 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के वरिष्ठ सह प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि थाना क्षेत्र के अलग अलग मोटर गैरेज, वस्त्रालय एवं अन्य दुकानों में बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है, जिसके उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम में शामिल पुलिस अवर निरीक्षक शिवचंद्र यादव, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के APO शिव शंकर ठाकुर, चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि सपना कुमारी रेखा देवी एवं मेजरगंज थाने की पुलिस के सहयोग से बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया है। साथ ही बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले मोटर गैरेज, वस्त्रालय एवं दुकानों के कुल 11 नियोजकों पर मेजरगंज थाने में थानाध्यक्ष ललित कुमार के द्वारा FIR दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में जब टीम के द्वारा जांच की गई तो पता चला कि बच्चों से एक दिन में अधिक समय तक न्यूनतम मजदूरी से भी कम दैनिक मजदूरी पर बाल श्रम करवाया जाता था। मुक्त करवाए गए बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका पुनर्वास करवाया जाएगा। सीतामढ़ी SP मनोज कुमार तिवारी ने इस संदर्भ में कहा कि बाल मजदूरी करवाना एक जघन्य अपराध है। बचपन बचाओ अभियान के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई के द्वारा लगातार बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस माह 23 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया है। लगातार हम लोगों का प्रयास जारी है ताकि सभी बच्चों के बचपन को सुरक्षित कर शिक्षा से जोड़ा जा सके। इस मंथ में काफी बच्चों का रेस्क्यू किया गया जो बाल मजदूरी से मुक्त हुआ है, क्या कहेंगे सर? बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि बाल मजदूरी एक जघन्य अपराध है और बचपन बचाओ अभियान के तहत बचपन बचाओ आंदोलन और पुलिस की टीम के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस महीने करीब हम लोगों ने 23 बच्चों को रिहा कराया है और लगातार सतत हम लोग ये प्रयास जारी है किसी भी तरह से बचपन को हम लोग सुरक्षित रखें और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के ऊपर तरह के तरफ रखें।